जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये बड़ंबा गांव के लोगों ने यहाँ पे जाम लगा दिया है। हिसार और जो कि अपना दिल्ली की तरफ जाता है हाईवे पे जाम लगा दिया गया है। और इनसे बातें कराऊंगा आप लोगों की कि किस तरह इन लोगों ने जाम लगाया है। तो कुछ लाइट नहीं होने के कारण आप लोगों को कुछ धुंधला वगैरह दिखाई दे रहा होगा। दो लोग आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पर चारों तरफ जाम लगा दिया गया है। तो आप बने रहे मेरे साथ, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा अभी भी। तो बने रहे मेरे साथ, तो आप लोग देख रहे हैं ये गांव वालों ने यहाँ जाम लगा दिया गया है। एकदम से पूरे रोड को बंद कर दिया गया है और आप लोग देखते हैं ट्रैफिक पूरा जाम हो चुका है। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, आप लोगों को पूरी मैं खबरें यहाँ तक देता रहूँगा। जाम क्यों लगाया गया है भाई? हमारे किसान नेता चटूनी साहब को उठा लिया गया, उसकी रिहाई तक ये जाम लगा रहेगा, नहीं हटेगा। जाम आ रहे कोई यहाँ एक महीना बैठना पड़ जाए, 9-10 महीने तो वहाँ दिल्ली वाले जहाँ भी वैसा जाम लगाएंगे। तो ये जाम कब तक लगा रहेगा भाई? ये जाम कब तक लगा रहेगा? जब तक हमारे को ऊपर से आदेश नहीं मिलता ये जाम कब तक रहेगा? जब तक हमारा किसान नेता ऑर्डरिंग दे लेंगे खुलने का, उससे पहले कोई खुलने का काम नहीं है, ठीक है? जो चंडूनी ऑर्डर करेगा वो हमने सुना है, उससे पहले जाम नहीं खुलेगा। जो किसानों पर अत्याचार किया गया है सत्य में है, मोदी सरकार ने जो कर हमारे गलत होया है, ठीक है नहीं? तो क्या आप लोग मानते हो कि भाई ये सरकार मानेगी? सरकार तो मानने बैठी है, सरकार की क्या मतलब? मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भाइयों ये देखो, ये छोटा लड़का है जो कि आधी रात को यहाँ आया हुआ है और इन्होंने जाम लगाया है। तो पूछते हैं छोटू यहाँ क्यों आए हो? हमारा हक जाने के लिए। क्या क्या आपका? कि मोदी अपने काले कानून वापस ले। क्या आपको पता है काले कानून कौन से क्या होते हैं? कौन से तीन कानून हैं जो कि मोदी वापस ले? वापिस ले किसान के बारे में MSP का कानून बना के जो, लेकिन जो हमने अरे इनको रद्द करो, हम नहीं दे रहा, ठीक है? तो देखो ये आधी रात को आए हुए हैं, तो ये हैं जो अंबानी ले जाके हमारे बीच में छोड़ दिए, इनको हम फसलों को नहीं देंगे, हमारी मंडी तब दिख करो। तो क्या आपकी मंडी धरना कब तक चलेगा भाई साहब? आज हमारा रोड जाम करने का एक के मोटिव है, जो हमारा किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी मेरठ में पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और 7 बजे की कॉल थी, अगर भाई 7 बजे उसको छोड़ देंगे, लेकिन उसको छोड़ा नहीं गया। इस वजह से पूरा हरियाणा, पूरा ऑल इंडिया के रोड ब्लॉक कर दिए हैं। तो अब ये अनिश्चितकालीन रोड जाम कर दिया भाई साहब। अब हम बैठे हैं नेशनल हाईवे 9 पे, बड़म्बा गांव है हमारा, पूरा गांव हमारा इस रोड पे बैठा है और तब तक बैठा रहेगा तब तक हमारे नेता को नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोगों को कैसे पता चला कि भाई आपके जो किसान नेता है वो छोड़े नहीं गए हैं? भाई साहब नेशनल मीडिया है वो इतनी घटिया है, हमारी एक भी खबर वो नहीं दिखा रही है, सब सिर्फ हमारे को सोशल मीडिया के द्वारा ही पता चला भाई, अभी तक हमारा नेता नहीं छोड़ा गया। तो आप लोगों को पता चला कि भी नेट बंद कर दिया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सरकार बिल्कुल नपुंसकों की सरकार है और ये कातिलों की सरकार है, इन्होंने कातिल सरकार मुर्दाबाद, कातिलों की सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये बड़म्बा गांव के लोगों ने यहाँ पे जाम लगा दिया है। हिसार और जो कि अपना दिल्ली की तरफ जाता है हाईवे पे जाम लगा दिया गया है। और इनसे बातें कराऊंगा आप लोगों की कि किस तरह इन लोगों ने जाम लगाया है। तो कुछ लाइट नहीं होने के कारण आप लोगों को कुछ धुंधला वगैरह दिखाई दे रहा होगा। दो लोग आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पर चारों तरफ जाम लगा दिया गया है। तो आप बने रहे मेरे साथ, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा अभी भी। तो बने रहे मेरे साथ, क्यों लगाया गया है भाई? हमारे किसान नेता चटूनी साहब को उठा लिया गया, उसकी रिहाई तक ये जाम लगा रहेगा, नहीं हटेगा। जाम आ रहे कोई यहाँ एक
महीना बैठना पड़ जाए, 9-10 महीने तो वहाँ दिल्ली वाले जहाँ भी वैसा जाम लगाएंगे। तो ये जाम कब तक लगा रहेगा भाई जी? ये जाम कब तक लगा रहेगा? जब तक हमारे को प्रसाद नहीं मिलता ये जाम तब तक रहेगा। जब तक हमारा किसान नेता ओटरी दे लेंगे खुलने का, उससे पहले कोई खुलने का काम नहीं है। ठीक है, जो चंडूनी ऑर्डर करेगा वो हमने सुनकर उससे पहले दाम नहीं खुला। जो किसान तय कराया गया है सत्य में है, मोदी सरकार ने जो योग करे हमारे गलत होया है। ठीक है नी? तो क्या आप लोग मानते हो कि भाई ये सरकार मानेगी? सरकार तो माननी बैठी है, सरकार की क्या मतलब? मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सत्ता सरकार जिंदाबाद, सत्ता सरकार जिंदाबाद, सत्ता सरकार जिंदाबाद, भैया डिप्टी जिया जिंदाबाद। तो आप लोग देख रहे हैं ये गांव वालों ने यहाँ जाम लगा दिया गया है, एकदम से पूरे रोड को बंद कर दिया गया है और आप लोग देखते हैं ट्रैफिक पूरा जाम हो चुका है। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, आप लोगों को पूरी मैं खबरें यहाँ तक देता रहूँगा।